स्वागत है आपका एक और एमएमए 1 के लेसन में। आज हम आपको पंचेस सिखाएंगे। तो बेसिकली मार्शल आर्ट्स में तीन तरह के पंचेस होते हैं, स्ट्रेट पंचेस, हुक्स एंड अपरकट्स। अब इन पंचेस में आगे चल के बहुत वेरिएशंस होती हैं, ओवरहैंड, सुपरमैन, बट हम अभी उनकी बात नहीं करेंगे। हम पहले ये बेसिक तीन पंचेस, स्ट्रेट्स, हुक्स एंड अपरकट्स, इनके बारे में सीखेंगे। तो आज हम आपको आपका पहला पंच सिखाने वाले हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं जैब। जैब में क्या होता है, आपका जो आगे वाला हाथ है, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो ये आपका लेफ्ट हाथ होगा, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो ये आपका राइट हाथ होगा। ठीक है, आपका जो आगे वाला हाथ है वो सीधा जाके आपके अपोनेंट के चिन पे कनेक्ट होता है। ये आपका सबसे लंबा पंच है, क्योंकि ये आगे वाले हाथ से निकलता है, तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट पंच। आने वाले वीडियोस में हम इसकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज किया जा सकता है अपने अपोनेंट को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरे पंचेस को सेटअप करने के लिए, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी इसके बेसिक्स सीखते हैं। तो पहली चीज, मार्शल आर्ट्स में आप कोई भी अटैक कर रहे हो, आपको अपनी पूरी बॉडी से करना है। तो आप खाली पंच नहीं मारोगे, आप साथ में स्टेप लोगे। एक बार पीछे होना थोड़ा, साथ में पैर चलेगा, जेसन सर की टांग उठेगी, पैर उठेगा और फिर पंच आएगा, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का पूरा वेट डालना है। अगर वो सिर्फ शोल्डर से मारें तो ही इज ओनली यूजिंग हिज अपर बॉडी, ओनली हिज शोल्डर एंड आर्म, बट हम चाहते हैं वो लात का पावर भी डालें। एक और चीज, जब आप स्टेप करते हो तो आपका पंच थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ सर के साथ एंड मैं सिर्फ हाथ चलाता हूँ, देखो इट्स नॉट रीचिंग, रीच नहीं आ रहा, मगर इफ आई स्टेप एंड देन आई पंच, आप देख सकते हो रीच आ रहा है, राइट? सो दो चीज, डिस्टेंस बढ़ाता है आपका एंड ऑल्सो पावर, डबल एडवांटेज। एक और चीज, जब आप पंच मार रहे हो आपकी एल्बो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लोग स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे पंच मारते हैं, ये गलत है। आपकी एल्बो अंदर रहनी चाहिए, तीर की तरह सीधा निकलना चाहिए ये पंच। एंड में आप अपने रिस्ट को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, जैसे हम पेच घुमा रहे हैं, दीवार में पेच घुमाते हैं ना, जैसे हम पेच घुमा रहे हैं, तो एंड की तरफ रिस्ट को थोड़ा रोटेट कर सकते हो। एल्बो इन है, रिस्ट रोटेट हो रहा है और लेग की मूवमेंट हो रही है। अब एक और चीज देखते हैं, जेसन सर की चिन और उनका शोल्डर, फेस मी, एक्सटेंड द पंच। अब देखो, मैं अगर इनको मारना भी चाहूं इस टाइम पे तो इनकी चिन प्रोटेक्टेड है, यहां से इनका शोल्डर इनको प्रोटेक्ट कर रहा है और इस साइड से इनका दूसरा हाथ, दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है। ये स्ट्रक्चर देखो, थैंक यू। तो अब आपने क्या करना है, आपकी जो ड्रिल है, ठीक है, आपकी जो ड्रिल है वो ये है कि आपने शीशे के सामने इस पंच को प्रैक्टिस करना है, बार 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 बार, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, आप जितना करना चाहो, आई लीव इट अप टू यू। इस एक पंच को आप बार बार प्रैक्टिस करो, एक्सटेंड योर लेग, एक्सटेंड योर हैंड, गो बैक टू गार्ड। चाहे आप ब्लेडेड पोजिशन से कर रहे हो, चाहे आप स्क्वायर पोजिशन से कर रहे हो, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। देखो, जितना आप चीज को रिपीट करोगे उतना वो फायदा होगा, उतना फायदा होगा, उतना ढंग से आपके शरीर में और दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। तो ये था आपका पहला पंच, विच इज कॉल्ड द जैब, या इसको हम वन भी बोलते हैं, इसको जैब भी बोलते हैं और इसको वन भी बोलते हैं। तो बेसिकली रीकैप अप भी करता हूं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है स्टैंस, लो टेढ़ा या सीधा वो आपका मर्जी होगा, ठीक है। जब पंच मारते हो आपको स्टेप लेना है जो आगे वाला हाथ और पैर है, ठीक है, स्टेप लेके पंच। जब पंच मारते हो एल्बो डाउन, एल्बो स्ट्रेट, नॉट आउटसाइड, चिन डाउन, शोल्डर अप, स्टेप और रोटेट। और लास्ट जो चीज है, जब आप हाथ वापस लेके आते हो एकदम से सीधा वापस लेके आ जाओ। कोई लोग ऐसे ऐसे करके नीचे लाके आते हो वापस, दिस नॉट गुड, ठीक है। तो स्टैंस ले लो, टेढ़ा या सीधा स्टैंस, स्टेप, पंच, एल्बो इन, रोटेट एंड बिल्कुल सीधा वापस एंड स्टेप बैक, ठीक है। तो ये आपका पहले पंच था, इसको वन पंच बोलते हैं या जैब बोलते हैं। एक और बारी में आपको दिखाता हूं दूसरा एंगल से, ये आपका ड्रिल है, स्टैंस में स्टेप,
एंड बैक, स्टेप एंड बैक, स्टेप एंड बैक। अभी पावर और स्पीड को भूल जाओ, आपको अभी बस सिर्फ टेक्निक देखना है। जब ये टेक्निक आता है आपका, देन यू कैन गो मोर फास्ट। ठीक है, बार बार रुक के फील करो, अलग अलग पॉइंट पे अपने आप को रोको, यहां पे रुको और फील करो कि हैव यू एंगेज्ड योर बॉडी, क्या आपने अपना बॉडी का वेट पंच में डाला है, क्या आपकी चिन नीचे है, क्या आपका शोल्डर ऊपर है। जब आप पंच को वापस लेके आ रहे हो, आप ऐसे तो नहीं लेके आ रहे, क्योंकि अगर मैं अपने पंच को ऐसे लेके आ रहा हूं तो मेरा फेस ओपन है, मेरे को अपने पंच को ऐसे लेके आना है ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूं। तो शीशा के सामने करो, ओके, ऑलवेज यूज अ मिरर। थैंक यू, दैट वाज द फर्स्ट लेसन।